सबा इब्राहिम की अम्मी की आंखों में आए आंसू। सबा की विदाई पर इमोशनल हुई अम्मी। सबा ने कहा, इस वजह से नहीं करती हूँ बात। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबा इब्राहिम की जल्द शादी होने वाली है, ऐसे में पूरा इब्राहिम परिवार सबा की शादी की तैयारियों में जुट गया है। अब रीसेंट ब्लॉग में सबा की अम्मी रोती और इमोशनल होती नजर आईं। दरअसल शादी का घर है और वहाँ शादी से जुड़ी बातें ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस वही हुआ, सबा की शादी की बातें चल रही थी तभी सबा की विदाई की बात निकली, जिसमें अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ सबा की अम्मी ही नहीं, नानी और खाला भी इमोशनल होने लगे। सबा कहती हैं कि इस वजह से मैं विदाई की बात नहीं करती हूँ। वहीं सबा अम्मी को चुप भी कराती नजर आती हैं। आपको बता दें कि सबा अपनी शादी की शॉपिंग करती नजर आई थी। दरअसल सबा को दीपिका के साथ शॉपिंग करते स्पॉट किया गया था, जहां दोनों खूब मस्ती करते दिखे थे। दीपिका एक बड़ी सी डायरी लेकर गई थी, जिसमें सबके नाम और कपड़े को नोट करती नजर आई थी। खबरें हैं कि सबा की शादी नवंबर में होने वाली है। जी हाँ, सबा अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड खालिद नियाज के साथ शादी करने वाली हैं। सबा और खालिद पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में हैं और घर वालों को मनाने के बाद अब वो शादी करने वाले हैं। आप सबा को दुल्हन के रूप में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।